संजय जैलाब, भारत केसरी, इंडिया मेडलिस्ट और इंडियन नेवी में ये ऑफिसर है संजय जैलाब। अपने पास में ही है, महेंद्रगढ़ जिले में, और केसरी बना है ये पहलवान भाई। तालियां पहलवान के लिए। ये मोटा अखाड़ा लाडपुर से विशाल बुंडू के नाम से प्रसिद्ध है, कुश्ती भी बुंडी लड़ा है, बहुत बढ़िया पहलवान है, इंटरनेशनल पहलवान है, दोनों बच्चे बहुत बड़े पहलवान है। आप लोगों की इस दंगल में इन लोगों की जोर आजमा शुरू होती है। कुश्ती का समय है 15 मिनट, घड़ी देख लीजिए आप। आप लोग एक बार इन पहलवानों के लिए, प्रोहित जी के लिए, ओम प्रकाश जी के लिए, प्रधान जी के लिए ताली बजाएं। मुकेश जी की जो व्यवस्था है चाक चौपन, उसके लिए भी मैं सभी जनता जनार्दन से आगा, आप लोगों की बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। बहुत ही जैलाब और लाडपुर अखाड़ा बुंडू हाँ, ये दूसरा पहलवान है संजय के साथ, इसका गांव मटिंडू ये घासी हुए। और इस कुश्ती को करवा रहे हैं सतवीर जी और राजकुमार जी, इंटरनेशनल कोच। ये मैं आपको बताता हूँ, इस क्षेत्र से भारतीय कुश्ती फेडरेशन में कोई गया है तो वो है राजकुमार जी। रशिया में ये अपने देश के पहलवानों को लेके गए थे, 6 पोजीशन लगी थी। इसी तरह चाइना में लेके गए थे, वहाँ चैंपियनशिप उठाई थी। और मुझे तो सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि हम जयपुर में दोनों साथ रहे काफ़ी दिन। इस बात की खुशी है कि हमारे यहाँ से जो बच्चे थोड़े बहुत निकलते थे तो वह आगे जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद की वजह से कट जाते थे। अब पहलवान दिल खोल कर कुश्ती करें, आगे राजकुमार जी आपको इंडिया लेवल तक मिले। वाह जी तिवाड़ी जी, बहुत बढ़िया। कामड़े की कुश्ती 71,000 रुपए की। तो मेला समापन की ओर है। मैं पुनः एक बार हमारे इस लक्खी मेले में जिन जिन लोगों ने प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से हमारा सहयोग किया है, हम उन सभी का हृदय से आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बहुत लोगों ने मन से सेवा की है, ये स्काउट के बच्चे हैं, किसी ने पानी की प्याहू लगा रखी है, किसी ने कोई किसी तरह की सेवा दे रहा है, कोई किसी तरह की सेवा दे रहा है। तो ये सब लोग, इन्होंने बहुत सराहनीय काम किया है, इन सबका धन्यवाद। और विशेष रूप से मैं ओम प्रकाश जी का और बलवान जी का, महेंद्र जी का, सबका, इनका सबको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि इन्होंने, ओम प्रकाश जी तो वास्तव में ही कमाल कर दिया इन्होंने कि इतने साल से लगातार हम तो ये सुनते आए थे कि भाई किसी को चुनाव लड़ना है तो मेले ठेलों में रहो, अपने चीफ गेस्ट बनो, पैसे खर्च करो, इस तरह की बात है। लेकिन आप तो गुड़गांव में रहते हैं, नांगल आपका गांव है, वोटों से कोई लेना देना नहीं है, आप व्यापारी आदमी हैं और इतना प्रेम आप हमसे रखते हैं, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत ही खुशी की बात है। तो हम
स्काउट के बच्चे। हाँ ये सही है बिल्कुल सरपंच साहब आपने, मैं तो कई बहुत देर से कह रहा था मगर इन बच्चों को कुछ जो है सम्मान स्वरूप है, स्काउट के बच्चे मैदान में आ जाएं। स्काउट गुड, बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। आपका जो कार्य है वो आपने भाई आपके आपके गुरुजी हैं सुबह से ही सेवा में लग रहे थे, ये कल से भाई। वाह बहुत बढ़िया, देखिए जितने भी निर्णायक है इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतना अच्छा मैच करवाया, कोई दिक्कत नहीं आने दी। राजकुमार जी बाहर थे लेकिन एक फोन के निवेदन से ही बोल भाई साहब पक्का हूँ, अगर आप ऐसे सम्मान की बुला रहे हो। ऐसे तिवारी जी ये भी कहीं बिजी थे लेकिन तिवारी जी आना पड़ेगा, कमेटी याद कर रही है। कबड्डी में किरसन जी है, दिल्ली पुलिस रामफल जी सरपंच साहब हैं, कुश्ती में किशन सुबेदार साहब हैं, इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने टाइम निकाल करके यह इतनी सेवा दी। भाई रात्रि को मुकेश फौजी बहुत ही अच्छा कलाकार है, ये भाई लड़कियों का तो अखबार इसमें पेपर में पढ़ लिया होगा ना, ऐसी कोई बात नहीं है भाई, अच्छी अच्छी कलाकार हैं। और सभी टीमें कह ही रहे हो तो मैं बता देता हूँ, मिस गरिमा आरती भोरिया, मुस्कान बेबी, सपना शर्मा, कोमल चौधरी और भारती चौधरी, सुनीता बेबी, राजेश दुलानिया, सुरजीत बेबी, देखिए अगर कुश्तियों में अंदर जाए, कुश्तियों में 11,000 से 21,000 से 31,000 आ रही कांबड़े की कुश्ती में, अगर आपको आनंद आया हो, आपको अच्छा लगा तो विशेषकर प्रधान जी, बलवान जी, ओम प्रकाश जी, पुरोहित जी से ताली चाहूंगा इन पहलवानों के और इस जनता के लिए ताली बजाएं, धन्यवाद। राजकुमार जी मेरी गारंटी है या कमेटी था नहीं बुलाओगी आई बार, मैं किस जाऊँ, मुझे थारो रिश्तेदार से बुलाओ तो आ जाओ, ना बुलाओ तो आ जाओ, हमारा काम बहुत तगड़ो करे साहब, पूरे पूरे खारकर भी आया पड़ोस में बेटिन भी आदि चारों मेरे बताओ बुलाओ तो ना वैसे आ जाओ, मेरी की दिक्कत आ रही नहीं। आपने बढ़िया, आपने वाकई जो है ना आपने अपनी काबिलियत का परिचय यही होता है क्योंकि अखाड़े में दिखती है काबिलियत, सही निर्णय सही चयन ये बड़ा मुश्किल काम है और आप बहुत अनुभवी हैं और आपने बड़ा सुंदर काम करके दिखाया है, तो धन्यवाद तो बार बार कमेटी की तरफ से आपको हम देते हैं कि आपने वाकई बहुत सराहनीय काम किया है और हम तो चाहेंगे आगे भी आप ही आए। देखिए मैं आपको बता दूं, ये जितने भी करीब करीब पहलवान इलाके के, इनके पापा मेरे साथ कुश्ती लड़ा करते थे, ये जो संजय पहलवान है इसका पापा राजपाल जैल आपसे, वो मेरा साथी था, हमारे साथ कुश्ती लड़ता था, रामकिशन जी उनके गुरु हुआ करते थे, आप यहाँ विराजमान हैं, आज ये बच्चा अभी रामकिशन जी के सानिध्य में कुश्ती कर रहा है, और इलाके के जो पहलवान काफ़ी लड़के कुछ बैठे हुए वो मेरे साथी रहे, इनको मैं बचपन से इन बच्चों को छोटे से बड़ा होता मैंने देखा है, इनकी जितनी प्रोग्रेस है वो देखी हुई है, और सबसे बड़ा कारण है कि हिंदुस्तान में क्रॉस नहीं लेना भाई, क्रॉस नहीं लेना, हिंदुस्तान में ये बच्चे जब जाते थे मैं हिंदुस्तान की टीम का कैप्टन उस टाइम में हुआ करता था, आज मैं कोच हूँ, तो इनका सिलेक्शन जब होता है नेशनल में पार्टिसिपेट होते हैं वहाँ,
तो मैं इनकी कुश्तियां भी देखता हूँ, इनकी रिकॉर्ड भी मेरे पास है, मैं सबको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ किसमें कितना दम है, कौन किस जोड़ का पहलवान है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कोच साहब। कांवड़े की कुश्ती अखाड़े में चल रही है और ये कुश्ती महंत श्री अनिल पुरोहित जी के सौजन्य से कराई जा रही है। पुरोहित जी जहाँ भी हमारे आसपास मेले होते हैं, सभी गांव में समाज सेवा के चाहे कोई कार्य हो, ये दिल खोल करके और सभी धार्मिक सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं, लोगों का उत्साह बढ़ाते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और देखिए एक जानकारी दे दूं आपको, मैं जो बालीबाल की टीमें आई थी उसमें करीब 15 खिलाड़ी ऐसे थे जो इंटरनेशनल खिलाड़ी थे, और नेवी की टीम में तो पूरी ही अभी जो विदेश खेल के आए थे तो सीधी यहीं आई थी। उनके कोच थे वीर सिंह जी और राजेश जी, वो भी टीम के साथ आए थे, और भी टीमों में इंटरनेशनल खिलाड़ी थे। तो सबसे बढ़िया मैच तो बालीबाल के लगे, उसके बाद कबड्डी भी अच्छी हुई है, 6 टीम आई, 6 टीमों का लीग मैच करवाया, और अब कुश्ती आपके सामने। बहुत ही भाई ये ऐसा है ना कि ये तो काम जोर को है ना, कोई राजी खुशी थोड़ी थी उठे उठा। दोनों पहलवान बहुत तगड़े हैं, कि हड़को फुलको काम तो है नहीं, कि ठा लियो। तीन मिनट शेष रही है इस कुश्ती की। एक मिनट कोच साहब, मैं आग्रह करूंगा आपसे, नो डाउट बहुत अच्छे पहलवान हैं, लेकिन इस जनता की भावना है कि रिजल्ट आए। मैं ये नहीं कहता, सुनो मैं ये नहीं कहता आर पार हो, पर मेरे जनता का आग्रह है, और मैं इन पहलवानों को इंटरनेशनल लेवल के, और हार जीत बड़ा कलड़ा काम होता है, लेकिन ये लाखों का मेला है, और आप दोनों पहलवानों की जो प्रशंसा करी है, मैं चाहता हूँ उसके अनुरूप आप अपनी इस कला का प्रदर्शन करके दिखाएं, जो सारी जनता आपकी तरफ देख रही है। इन्होंने रोटियों की परवाह नहीं, घर जाकर रोटी खा ली कि नहीं खा ली, इन्हें परवाह 71,000 के जो कांवड़ा में जो हमारे इंटरनेशनल लेवल के पहलवान आए, इनसे ये रिजल्ट के एक्सपेक्ट करते हैं। हम आपके भावनाओं को दर्द करते हैं कि सबकी, लेकिन भाई हम तो एक ही बात जाने, जितना जो सिकंदर हार से डर गया वो फिर क्या जीतेगा, इसलिए भाई हमारे आग्रह बहुत अच्छे पहलवान साहब, हमें मजा आ रहा है, पेंट दिए जाते। मैं कहते हैं बड़े कहने के बाद कोच साहब एक सिस्टम बनाया जाए कि पॉइंटों के ऊपर कुश्ती कराई जाए, ये अगर बराबर हो जाते हैं तो हाथ नहीं, आगे से सिस्टम बनाया जाए। और मुझे कॉमेंट्री नहीं आती, मैं पहलवान नहीं हूँ ना, मैं तो मेलों में कुश्ती देखता हूँ, लेकिन आनंद आ रहा कुश्ती का, और मैं जिस तरह कोशिश कर रहे हैं, प्रयास जारी रहना चाहिए जीवन के अंदर, ये 15 मिनट के अंदर ये आर्ट दिखा दो, हमने कहते घंटों कुश्ती हो, बहुत अच्छा दाव, बहुत अच्छी कला, बहुत अच्छे पहलवान, पर आ जाए रिजल्ट, प्लीज प्रयास कीजिए, ये जनता आपकी तरफ देख रही है, बहुत अच्छे लोग हैं, आप बैठिए मत, 15 मिनट को जाने मत दीजिए। जब 3 घंटे का पेपर बच्चे का होता है, जब 3 घंटे का पेपर बच्चे का होता है, तो उसी के अंदर वो नंबर लाने की कोशिश करता है, ये आपके 15 मिनट 100/100 नंबर के हैं, हम देना चाहते हैं, हम आप दोनों को 100 नहीं देना चाहते, एक को भी 100 नहीं देना चाहते, हम रिजल्ट चाहते हैं। आप सतवीर जी सही हो रहा काम, हट जाओ, बहुत जोर के कमाल कर दिया, पहलवान कहां से छाट के लाए, नो डाउट हमारी भावनाएं हैं, ये हनुमान जी का मेला है, और इस हनुमान जी की में कृपा रहेगी, निश्चित रूप से 5 कुश्ती बराबर चलेगी, हमारी आंखें तुरफ रही है, आखिर तो एक रिजल्ट आए, इसलिए 6ठी कुश्ती बराबर ना जाए, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि रिजल्ट आए। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपकी भावना की कदर करते हैं दोनों पहलवान।
दोनों को पूछ के खड़ा करते, इनका टाइम हो गया, इनको एक्स्ट्रा टाइम देंगे। पहले तो दोनों पहलवान खड़े हो जाओ, अभी कुछ खड़े हो जाओ दोनों पहलवान। प्रधान जी, आप लोगों की भावना की कदर है, समय मांग लेते हैं। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि राठ इंटरनेशनल स्कूल में आप कामना करवाओ, वह गद्दे की कुश्ती होगी, पॉइंटो की कुश्ती मैं करवाऊंगा और इंटरनेशनल सारे पहलवान आएंगे, ये मेरा वादा है। और पूरा इलाके आएगा वहां पे। मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूँ, पर आज तो तोड़ कर दो। तोड़ इनसे समय मांगते हैं, क्योंकि आपको पता किसी एक बार दोनों से पूछो, पांच सात मिनट खा देने के तैयार हो, अधिक एक मिनट दे सकते हो। प्रधान जी एक मिनट, एक मिनट साहब, एक सेकंड साहब, एक सेकंड पहलवान साहब, एक मिनट दे सकते हो दोनों को साहब, एक सेकंड, हाँ एक मिनट लड़ सकते हो, दो मिनट नहीं इतनी नाटा भाई भाई, चलो तीन मिनट बात करो, तीन मिनट ओके। प्रधान जी ये इंटरनेशनल लगते हैं तो छह मिनट। हनुमान जी महाराज की, चिन्ना खैच बहनचोद, खैच चिन्ना खैच। प्रधान जी आप तैयारी करो, इस पब्लिक में सबको आज हो जाए कि इंटरनेशनल स्कूल चाहे दारू चाहे अगले कोच साहब, केवल कॉमेंट्री पहलवान अब करो प्लीज। नहीं ये भी कॉमेंट्री है, कमाल कितनी जोर की कुत्ती, दोनों ने सर से सर मिलाया, ताली बजाई, ताली देंगे पहलवान, मैं गारंटी करता हूं रिजल्ट आएगा, दोनों का चोल देखो, दोनों की कला देखो, ताली बजाई इंटरनेशनल पहलवान, इनको कहते हैं इंटरनेशनल पहलवान, जोरदार ताली बजाओ सर, लोग रिजल्ट आएगा, ताली बजाओ निश्चित रूप से। हाँ कमाल कर दिया, बहुत अच्छे पहलवान, बहुत अच्छा, कॉमेंट्री करो पहलवानों की, सब अच्छे छोड़ दो कोच साहब, ताली बजाए, तालियां बजाए सभी, रिजल्ट आएगा। देखिए इन 15 मिनट के बाद भी होती है भाई, कमाल हो गया भाई, मजा आ गया, ये है इसके, इसको कहते हैं दंगल। बोलो हनुमान महाराज की, बोलो दोनों पहलवानों की, ये तीन मिनट प्रदान अभी ना हुई है, ये जान फूंक दी पहलवानों ने, संजीव ने नहीं दी, तो ना शाबाश, एक बिल्कुल ये इंटरनेशनल है, छोड़ेंगे नहीं, ये नेशनल नहीं इंटरनेशनल है, आप देखते जाइए, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मैं बिल्कुल जनता की भावनाओं को कदर से देख रहा हूं, आके क्या कुश्ती दिखाइए, कोई बात नहीं, हर जीत कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन बहुत अच्छी कुश्ती दिखाइए आप, जैसे मेरा कमेटी का निर्णय वो शर्माथे पर मजा आ गया। प्रधान जी कॉमेंट्री भी नहीं आती है, इतनी अच्छी कॉमेंट्री भी कर लेते हो, धन्यवाद प्रधान जी। ओ साहब इनकी पूजा काट दी, डबड़वास फैसलो एक मिनट शेष बची है प्रधान जी इन पहलवानों की, पहलवानों एक बार जनता की कदर कर दो, प्रधान जी की एक बार भावना की कदर कर दो, पब्लिक एक बार ताली बजाए इनके लिए, जोरदार ताली बजाए भाई, तालियां बजाए जभी इनमें उत्साह बढ़ेगा। बोले हनुमान जी महाराज की, भाई प्रोहित जी का पैसा जी क्या सहज बटी गई, बहुत गाड़ी कमाई से प्रोहित जी के पैसे, प्रधान जी इसके पीछे बहुत बड़ी शक्ति है। आधा मिनट शेष बची है, केवल 30 सेकंड मैच बची है। राजकुमार जी मेरे हिसाब से 4-8 हो गई, बराबर ही छूट रही है। हाँ बोले हनुमान जी महाराज की। बहुत धन्यवाद आप सभी का।